वेलकम फ्रेंड्स टू obs6.com। आज हम रिव्यू करेंगे एप्सन L380 का। तो आप यहां पे देख सकते हो कि ये पूरा बॉक्स है एप्सन L380 का, एक मल्टीपल कलर प्रिंटिंग डिवाइस है। यहां पे आप ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट कर सकते हो और ब्लैक कलर भी प्रिंट कर सकते हो। तो यहां पे आप देख सकते हो इस बॉक्स के अंदर 4 कलर आपको फ्री में मिल रहा है। इस प्रिंटर की जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया है और इसका जो प्राइस है, प्रिंटिंग प्राइस है, वो भी बहुत कम है। तो आप चलिए इस प्रिंटर को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। पहले इसके जो कवर है उसे हटा देते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके एक डिस्क मिल रहा है और डिस्क के अंदर एक मैनुअल भी है, आप कैसे इसे यूज कर सकते हो। और इस डिस्क के अंदर आपको ड्राइवर, कुछ ड्राइवर मिलेगा जो आपके पीसी में इंस्टॉल करना है। और अगर आप चाहते हो कि आपके पीसी से प्रिंट निकल प्रिंट लेना चाहते हो तो आपको इस ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो और क्या क्या है देख लेते हैं। और यहाँ पे अब इंक है, इंक फ्री में मिला है आपको, 4 इंक आपको फ्री में मिलता है एप्सन की तरफ से। एक बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि अगर आप मतलब पहले ही आपका फर्स्ट ईयर अगर आप थोड़ा बहुत काम करते हो तो फर्स्ट ईयर आपको फ्री में चल जाएगा इंक। यहाँ पे और देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डेटा केबिन मिला है जो आपके पीसी से आपके प्रिंटर को कनेक्ट करेगा। और आप मैं इसे आप प्रिंटर को यहाँ से निकल लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा भारी है, ज़्यादा भारी नहीं है बट थोड़ा सा। पहले इसे अनकवर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेट कंटेंट कितना चमक रहा है। और इसे पहले इसे हटा देना है। तो ये बहुत ज़्यादा पैकिंग है। मैं यहाँ पे क्विक कर रहा हूँ बट इसे आपको सावधान से करना है। और इस पेपर को आप ऐसे ही काट भी सकते हो किसी नाइफ से, क्योंकि ये प्लास्टिक का बनाया हुआ है, किसी भी वेट पड़ने पर डैमेज भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेन कंटेंट, इसका जो पूरा कवर है उसे हटा देता हूँ पहले। तो ये देख सकते हो कि एक ग्लेजी बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रिंटर को देख के। तो इसका जो टेप है इसे पहले हटा देता हूँ, क्योंकि इसे हटाए बिना आप इसे स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इनका जो ट्रैंक है उसके अंदर भी ये दिया हुआ है, तो इसे पहले खोलना है। और ध्यान रखिए इसके बाद जो मैं करने जा रहा हूँ इसे आपको हटाना ही होगा, ये नहीं, इसके अंदर मतलब प्रिंटर के अंदर एक टेप है। इस स्टेप के बाद बारे में मैं बात कर रहा था, इस स्टेप को आपको हटाना ही होगा, क्योंकि इसे नहीं हटाए तो प्रिंट नहीं चले होगा, प्रिंटर नहीं चल काम करेगा। तो आप यहाँ पे इसका इंक ट्रैंक को आप एक बार देख लीजिए और जान लीजिए कैसे इस यहाँ पे इंक को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 4 ट्रैंक मिल रहा है, 4 ऑप्शन मिल रहा है 4 इंक को डालने के लिए। तो उसके पास ही आपको कौन सा साइड में, कौन सा चेंबर में, कौन सा इनके इंसर्ट करना है, उसके नीचे में ही वो काला दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए नेट, पहले आपको पूरा जो टेब है उसे हटा देना है, क्योंकि वो जस्ट आपके सेफ्टी के लिए दिया हुआ है, तो उसे पहले हटा देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप इनको उसमें ढालना है। तो पहले इसे कट कर लेता हूँ। कवर बहुत सख्त है। तो अब यहाँ पे इनको डालना है, तो आप पहले मैं ब्लैक कलर को ले लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे, आप देख लीजिए एक बार कैसे इसे सेटअप करना है। हाँ, तो पहले इसके अंदर एक वार्प मिलेगा, इसे हटाना होगा। सब कुछ बहुत प्रोटेक्टिव है, यहाँ पे बहुत हार्ड है।
ये डैमेज से इसे बचाने के लिए इस तरह इसे सेटअप किया गया है। तो मैं अब इसे अनकवर कर चुका हूँ, तो अब यह से ब्लैक के चेंबर पे ब्लैक को आप वहाँ पे देना होगा, डालना होगा वहाँ पे। तो इसे थोड़ा सा सावधानी से करना है और इसे पुश करने पर वो इंक ऑटोमेटिक उसके अंदर चेंबर के अंदर चले जाएगा। इस तरह आपको और जो 3 कलर्स है उसके उसे भी उसके चेम्बर पे डालना है इस तरह से। तो आप इसे डालने से पहले एक बार देख लीजिए कि आप जिस कलर को जिस चेम्बर से डाल रही है तो क्या वो सही है या फिर नहीं है, और नहीं तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रिंटर सही से काम नहीं करेगा। तो पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि आप जिस कलर को वहाँ पे दे रहे हो क्या वो उसी के चेंबर है क्या। यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हो कलर दिया हुआ है, कौन सा चेंबर पे कौन सा कलर देना होगा। तो इसे सेट करने पर, इसे मैं ऑलरेडी सेटअप कर चुका हूँ, आप देख सकते हो कि मेरा जो इंक है वो ऑलरेडी फिलअप हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं प्रिंटर को पावर से कनेक्ट कर चुका हूँ, और आप इसे सेटअप कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप इस बटन को देख सकते हो जो रेड कलर में जल रहा है, इसे आपको 3 सेकंड तक दबा के रखना है। 1 2 3 तो इसे छोड़ देना है, और आप देख सकते हो कि ये ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। एक बार जो पावर बटन है वो जलेगा और एक बार जो ये रेड कलर का बटन है वो जलेगा, तो ऐसे ब्लिंक होता ही रहेगा, ये करीब 30 मिनट तक चलेगा। तो अगर जब वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब एक कांस्टेंट हो जाएगा, इसी तरह जब पावर स्विच ऑटोमेट मतलब कॉन्स्टेंटली ऑन रहेगा, तो मतलब आपका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ अभी। तो यहाँ पे प्रिंटिंग का 2 ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपको कलर प्रिंटिंग करना है तो यहाँ पे ग्रीन बटन है उसे प्रेस करना है, और अगर ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो उसके साइड में एक ब्लैक ऑप्शन है उसे प्रेस करना है। यहाँ पे इसका जो कलर प्रिंटिंग है आप देख सकते हो पूरा ओरिजिनल की तरह है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसका जो ऑपोजिट साइड है उसे एक बार ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये भी ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट होके आया है, पूरा एकदम क्लियर पिक्चर आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कोई भी डिफरेंस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। इस प्रिंटर को कैसे किसी से कनेक्ट करते हैं इसके जानने के लिए मेरे दूसरे वीडियो है एप्सन L360 का, जो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे रखा हूँ, तो उसे आप चेक कर सकते हो, पूरा सेम टू सेम प्रोसेस है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। वहाँ पे एप्सन L360 का भी फुल रिव्यू है, तो वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद में वहाँ पे कैसे आप किसी से कनेक्ट कर सकते हो, कैसे प्रिंट कर सकते हो, वो भी उस वीडियो में पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस प्रिंटर के बारे में और कुछ जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।